आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत को एक स्वास्थ्य योजना से कहीं अधिक बताते हुए कहा कि यह गरीबी और बीमारी के दुष्चक्र को तोड़ रही है। अमेरिका की यात्रा पर गए श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के एक साल पूरा होने के मौके पर ट्वीट संदेश में लिखा कि यह देश के 50 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आशा की किरण है। पिछले साल 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ष में इस योजना का करीब 40,40,000 लोगों ने लाभ उठाया। इन लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हुआ, जिस पर करीब 7,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। बीमा की राशि का भुगतान सरकार करती है। एक साल में पात्र लाभार्थियों को 10 करोड़ से अधिक ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस अवसर पर धार, बैतूल सहित कई जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार मार्च 2021 में जनगणना कार्यक्रम पूरा कर लेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बताया कि पहली बार जनगणना को हर व्यक्ति के विकास का आधार बताया गया है। उन्होंने बताया कि जनगणना के कार्य में मोबाइल ऐप इस्तेमाल किए जाएंगे और पहली बार सरकार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एनपीआर तैयार करेगी। 2021 में जो जनगणना होगी, इसमें हम मोबाइल ऐप का भी प्रयोग करेंगे और मैं इसको एक अलग तरीके से भी कहना चाहता हूं कि पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस का ट्रांसफॉर्मेशन का काम 2021 की जनगणना के बाद समाप्त होगा। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हम जनगणना के सभी डेटा को, कागजी डेटा जरूरी है वो रहेगा, मगर इसका डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से अनेक प्रकार के एनालिसिस के लिए, अनेक प्रकार के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से इसका उपयोग कर सकते हैं। श्री शाह ने नई दिल्ली के मानसिंह रोड पर जनगणना भवन की आधारशिला रखी। 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य 2021 में पूरा हो जाएगा। झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी के साथ यहां नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 30 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। 1 अक्टूबर को इनकी जांच होगी और प्रत्याशियों द्वारा 3 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भाजपा के गुमान सिंह डामोर के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई सीट पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने बताया है कि झाबुआ सीट पर कुल 356 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें से 322 केंद्र झाबुआ जिले में और 34 केंद्र अलीराजपुर जिले में आते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मंदसौर और नीमच जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कुकंडेश्वर में बाढ़ की स्थिति का सर्वेक्षण किया। कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कल रामपुरा आएंगे। इस दौरान वे नयागांव में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उधर श्योपुर जिले में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज सुबह भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से बिहार के गया तीर्थ के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले श्री शर्मा ट्रेन के 16 कोच में गए और तीर्थ